आज नए ना। भाई के लिए अपन लेने जाने वाले हैं पीसी। एंड फाइनली आज बन चुका है, शायद वहीं पे रखा हुआ है। सर ओहो माता जी का रिएक्शन। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स अ बॉय लॉग। स्वागत है आप सभी का इस नए ब्लॉग में। फिलहाल अभी बज रहा है 11:30, काफी ज्यादा लेट हो चुका है उठने में यार। बट क्या करें, काम ही चल रहा था कल रात को, है ना, सोए हुए थे। अभी जस्ट आज जैसे ही नींद खुला है ना, वैसे ही वीडियो अपलोड करने पे लगा दिया है ताकि ज्यादा लेट ना हो वीडियो। तो ये जस्ट अभी अपलोड हो रहा है। हाँ चलो भाई, फिलहाल अभी सुबह की चाय वगैरह तैयार करते हैं, क्योंकि चाय वाय कुछ भी नहीं पिया हुआ है। अभी उठते साथ ही ब्लॉग चालू करता हूँ, क्या करेगा इस ब्लॉगिंग लाइफ। ब्लॉगिंग लाइफ अपन तो पहले चाय बनाते हैं फिर इंजॉय करते हैं चाय। सो गाइस फिलहाल अभी अपन नहा धो के रेडी हो चुके हैं एंड मम्मी फिलहाल आ चुकी है स्कूल से। वाह सो रही है। खाना नहीं खाओगे क्या? अभी क्या है, अपन ना भाई का इंतजार कर रहे हैं स्कूल से, जस्ट आने ही वाला है, लगभग वही 2 बजे के आसपास आता है, तो जस्ट उसी का इंतजार कर रहे हैं, फिर साथ में खाना खाएंगे। वो बहुत ज़्यादा लग रही है यार, कहाँ है ये, जल्दी आ जाए तो खाएं फिर। सो भाई यार इधर सो सा की जगह मामा भाई देखते देखते सो गए थे। वीडियो चल रहा भाई, काफ़ी देर से चल रहा है वो। फिलहाल यार अभी अपन थोड़ा चैनल का काम कर रहे हैं यार, कमेंट्स वगैरह रिप्लाई कर रहे थे, बट वो चैनल मैनेज कर रहे थे। क्या पढ़ाई होते एक नंबर। सो गाइस सर, फिलहाल अभी शाम का वक्त हो चुका है, 5:30 का टाइम हो रहा है। अभी बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव करी भाई चैनल में, लाइक बहुत समय से देख नहीं रहा था बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कैसे कैसा परफॉर्म कर रहा है चैनल। तो हाँ काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, अब होप्स हो कि आगे और अच्छा परफॉर्म करे। बहुत सारी गलतियाँ भी करी थी कई कई जगह, तो उसको भी इम्प्रूव अभी कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें होती है बैकग्राउंड में यार एक चैनल को मैनेज करने में, क्रिएटर्स कैन अंडरस्टैंड, तो वो सीन है। अभी फ़िलहाल पीछे भाई सो रहा है, और आज यार काफ़ी ज़्यादा लाइक स्पेशल दिन है बोल सकते हैं, क्योंकि लाइक आज ना अपने भाई के लिए अपन लेने जाने वाले हैं पीसी डेस्कटॉप। कल यार एक्चुअली मैं अपन गए हुए थे शाम को, ये होप था कि कल अपने को डेस्कटॉप या सिस्टम मिल जाएगा दुकान में तुरंत, और ये पता चला कि तुरंत तो डेस्कटॉप नहीं मिलेगा क्योंकि पार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वो रायपुर से पार्ट्स भिलाई आएंगे, भिलाई में असेंबल होंगे एंड फिर मिलेंगे। एंड मैंने लाइक पिछले एक ब्लॉग में रायपुर में जाके कब पता किया था कंप्यूटर के बारे में, पार्ट्स के बारे में पता किया था, क्या क्या पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं और कितना बजट बनेगा। अपन ने दे दिया था कल जाके जो भी लिस्ट है वो, तो शाम तक वो पीसी तैयार होने वाला था आज। तो अभी जस्ट कॉल आएगा एंड फिर अपन निकल जाएंगे पीसी लेने के लिए। काफ़ी दिन से भाई जो है एक्साइटेड है पीसी के लिए एंड बहुत तगड़ा पीसी बन रहा है भाई। सो गाइस यार आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फाइनली भी एक कॉल आ गया था कि पीसी जो है बन चुका है अभी शाम को 7 बजे। तो अभी चल रहे हैं भाई अपन लेने के लिए पीसी। भाई से एक्साइटमेंट तो मेरे को भी हो रहा है, क्योंकि लाइक मेरा जो सिस्टम है इतना पावरफुल है नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब ये लैपटॉप वीक है, और जो मैं भाई को पीसी दिला रहा हूँ ना इतना ज़्यादा तगड़ा है ना, मतलब मेरे लैपटॉप से तो कई गुना पावरफुल है। क्या मम्मी को पूरा सर्दी सर्दी हो गया है खतरनाक टाइप से, कैसा लग रहा है भाई, परेशान कर लिया यार एक तो बोल रहा है और कैसा लग रहा है। अरे आपको सुनना पूछ रहा हूँ, उसको पूछ रहा हूँ, ये मेरा भाई परेशान कर दिया इसे, कॉल कर बार बार कॉल कर कॉल कर, दुकान वाले ने बोला था मैं सामने से कॉल करूंगा। सो भाई फिलहाल अभी अपन आ चुके हैं भिलाई सुपेला में, एक लिनोवो का सेंटर है यहाँ पे। जस्ट कल अपन ने बुक करके गया था पीसी को एंड फाइनली आज बन चुका है, शायद वहीं पे रखा हुआ है। चलो देखते हैं कैसा कैसा है। ऐसा है ओहो। तो गैस यार फुल RGB लगा हुआ है क्या, मेरे से अच्छा सिस्टम तो इसके पास है, क्या बात है। इधर केसिंग पूरा ट्रांसपेरेंट है, पॉलीकार्बोनेट कहाँ गया, ग्लास है, सही है फिर, बहुत सही है सिस्टम तो। और ये 24 इंच का ऐसे ही सैमसंग का मॉनिटर यहाँ पे है, 24 इंच। गाइस यार फाइनली सिस्टम लोड हो चुका है गाड़ी में, घर में जाके अच्छे तरीके से अनबॉक्सिंग करेंगे और पूरा स्पेक्स वगैरह बताता हूँ क्या है ये, कितना पड़ा, क्या प्राइसिंग हुआ, बाकी हो गया सेटलमेंट ठीक है।
कहाँ डाल रहा है, कहाँ डाल रहा है? अरे भाई हट भालू हट, उतर जा, डाल दे, खड़ी कर दे। मम्मा सुन ना गई, खड़ी करना आगे का सीट, आगे कर लो, नॉर्मल रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस रख फिर ऊपर मैडम, हो गया चलो। तो मेरे को एक्सचेंज कर, अरे 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 झोल हो रहा है पूरा। सो गाइस फिलहाल वापस अपन आ चुके हैं घर, और मम्मी इसको बंद करना, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है, सर्दी सर्दी। अनबॉक्सिंग, अरे 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 प्रोफेशनल अनबॉक्सर। ये अपना माउस कीबोर्ड, ये अब है मॉनिटर, बिगेस्ट मॉनिटर आरजीबी टिल नाउ, वो वाला मॉनिटर तो 15 इंच का, 15 या 15.6 इंच का, लेक्चर दिन ठीक तो इंच रहा है। उठा लिए, उठा लिए, चल क्लियर कर पहले, है ना पूरा साफ है। या ये क्या कर पूरा सिस्टम को सीधा डब्बे में उसको बेचेंगे। चले चलो बाहुबली टेबल किसका दे, पूरा ट्रांसपेरेंट है भाई, ये क्या गिर रहा है, क्या कह रखा रहता है रूम में, ये आप मस्त दिखेगा भाई, ट्रांसपेरेंट है पूरा ना अंदर, थोड़ा बहुत आरजीबी है तो हाँ भाई नाइस। क्या चल रहा है भैया, इसका भी अनबॉक्सिंग कर दीजिए। ये अपना लेनोवो का नॉर्मल कीबोर्ड माउस, कीबोर्ड माउस का कॉम्बो अनबॉक्सिंग होगा इसका। ये है सैमसंग 24 इंच का डिस्प्ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस इस मॉनिटर का। स्टैंड रेडी, ये आपने कुछ केबल्स, एक पावर कॉर्ड, ये एक वीजीए, ये पावर कॉर्ड, ये एचडीएमआई, ये कुछ अपना हब, पावर हब। सो ये अपना डिस्प्ले भी रेडी, अरे बाप रे, ये चश्मे का है, बूस्टिंग पोज दे पहले, नए नए सामान कितनी रखवाली देख रहे हो, नाइस नाइस नाइस, कितने देर तक रहता देखते हैं। फाइनली गाइस स्टार्ट हो गया है, शेयर दी मोला लेके आ, अरे बवाल रे तो गन में बंक तो का लगते ले जा ले, हैंडल ले जा, हैंडल ले जा, हैंडल टीवी की डिस्प्ले की साउंड करके मैं देख लूंगा, चल जा हट। आहा बहुत तगड़ा दिख रहा है आज ही, चुप हो गया तो सही आजकल, क्या हो गया तुम, चुप चुप, अरे मोला जान दे देगा, ये स्लीप की ठप्पी करा रही है मम्मी, आओ ये आरजीबी जो लाइट है वो रोज अपने रिमोट से कंट्रोल हो जाएगा गाइस, चलो 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 माता जी का रिएक्शन, ये देखो यहां से अपनी पर सुकून पे वन, नो रिएक्शन गाइस, नो रिएक्शन फ्रॉम माय मम्मी साइड, जितना ज्यादा अच्छा उतना ज्यादा जल्दी खराब होता है। हाँ ये क्या डायलॉग है यार, ये क्या डायलॉग मार दिए,
ऑन कैमरा बहुत तगड़ा डायलॉग मिला है मम्मी की तरफ से। फाइनली फर्स्ट बूट इस सिस्टम का घर में, घर में पहले एक बार बूट हो चुका है, वो वीजी कारण है, एचडीएमआई आए ना मजा आ जाएगा। ओ चालू कर दे, मुझे अरे चार बूढ़े लोग को बैठा दिया यार, उठाओ लोग को खाना खा के अपन फ्री हो चुके हैं एंड अब ये सिस्टम को थोड़ा चेकिंग करते हैं। अब बता दे इसके स्पेक्स में धीरे से बताता हूँ आराम से बैठ के। कैसा लग रहा है भाई? एकदम वे तो खुश हो गया है, फुल फुले नहीं समा रहा है खुशी से। बाय द वे यार अभी रूम का कंडीशन पूरा खराब हो चुका है यार, जगह जगह कुछ ना कुछ पड़ा फैला हुआ है। देख रहा बेड क्या हाल है, इधर बॉक्स पड़ा हुआ है। सो गाइस फिलहाल यार अभी जस्ट भाई जो है थोड़ा सिस्टम के मजे ले रहा है, आराम से बताता हूँ यार क्या उसमें स्पेक्स हैं क्या है। तो चलो यार इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलना रे बाबू, निकालना पैदल, चलो पैदल पैदल चलो।